अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक की तीसरी वीडियो बना रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लें, क्योंकि ये टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट का है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर आता है, बाय करता है या सेल करता है सिक्योरिटीज को जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनमें से। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है, आपको गूगल वगैरह पे बड़ी मुश्किल अल्फाज में डेफिनेशन मिल जाएंगी। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वो जगह जहां पर एक सेलर और एक बायर आके मिलते हैं और वो सेल करते हैं या बाय करते हैं सिक्योरिटीज को। इसकी डेफिनेशन और फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। क्योंकि मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट को हम मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्टॉक मार्केट के हर एक छोटी छोटी चीज़ें, इसको समझना इसकी एक बहुत ज़्यादा कंप्लीट स्टोरी है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन और इसके रोल्स बता रही हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स में सिर्फ इतना ही है। बाकी बुक वगैरह के अंदर आपको एक डिफरेंट स्टोरी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के कोई भी टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ या मैं आपको बताऊँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता, तो आप नीचे कमेंट करके बता दें, उस पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं रोल ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ कलर से हाईलाइट किया हुआ है तो आपको देखने में आसानी भी हो रही होगी। रोल क्या है स्टॉक मार्केट का, पहला क्या है कि वो ट्रांजैक्ट करती है, क्या करती है, सिक्योरिटीज, जो इसकी डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्राइजेस बढ़ने, अगर स्टॉक मार्केट की कंपनीज के शेयर की प्राइजेस बढ़ती है, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है तो कंट्री ग्रो कर रही है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, सेकंड पे जो है वो शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, चेंज हो रहा होता है, तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं उस चीज पे, यानी कि अपना दिमाग सब कुछ इसमें रख रहे होते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो लोग अवेयर रहते हैं प्राइस से, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रही होती है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी इन्वेस्ट करेगा अगर अपने पैसे, तो वो इस बात का ख्याल रखेगा कि भाई प्राइस ऊपर नीचे ना, डिसीजन ले रहा होता है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करती है, सेविंग्स को प्रमोट करती है और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। हैबिट ऑफ सेविंग्स आपकी बढ़ाती है, क्योंकि आपके पास जो जमा पैसा होता है वही आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो। तो इसका दूसरा, इसका अगला पॉइंट ये है कि वो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी कि वो अपने कैपिटल को बढ़ाएं, अपनी कंपनीज को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके अच्छा से अच्छा कारोबार करें। नेक्स्ट, अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, को SECP भी बोलते हैं। शंघाई एक्सचेंज क्या है, एग्जाम्पल्स हैं हमारी स्टॉक मार्केट की। कंप्लीट नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे। बाकी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके बता दें, मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगी। बाकी आप नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप नोट्स ले सकते हैं।